इधर 3 सितंबर से 11 सितंबर तक सिंगापुर में नेटबॉल एशिया टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में इस बार इंडिया टीम की तरफ से इंदौर के एमराल्ड हाइट्स में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा का चयन किया गया। इसे घर ही नहीं बल्कि पूरे इंदौर में खुशी का माहौल बन गया। सुहानी ठक्कर का चयन मध्य प्रदेश से 12 लड़कियों में हुआ। इंडिया फेडरेशन जो नेटबॉल है उसके तत्वाधान में 3 महीने से एमरल्ड हाइट्स में कैंप चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश से एमरल्ड हाइट्स स्कूल की छात्रा सुहानी ठक्कर का चयन हुआ है और ये मध्य प्रदेश के लिए और स्कूल के लिए बहुत गौरव की बात है। किस टीम में हुआ है? ये सिंगापुर में जो एशियन चैम्पियनशिप खेली जाएगी नेटबॉल की, उसके लिए इनका चयन किया गया है। हमने बहुत मेहनत की है, सब पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और सुबह शाम दोपहर हम तीनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 महीने से कैंप लगा हुआ है तो तीनों महीने हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जीत पाए वहाँ जाके।